जब सीजन से पहले फल और सब्जियां मार्केट में आपको दिख जाती हैं, तो एक बार के लिए आप उनकी कीमत तो जरूर से पूछते ही हैं। महंगी होने के बावजूद भी कई बार जरूरत पड़ने पे आपको उन्हें खरीदना भी पड़ता है। कभी आपने सोचा है ये होता कैसे है, मतलब मौसम से पहले इन्हें उगाया कैसे जाता है? तो ये उगाए जाते हैं पॉली हाउस में। आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम केस स्टडी डिटेल्स के साथ बताएंगे कि पॉली हाउस या ग्रीन हाउस बनता कैसे है और इसमें खेती कैसे होती है। तो लंच हो या डिनर, खाने में एक सब्जी बनी हो तो हम अक्सर पूछ ही लेते हैं, माँ आज एक ही सब्जी बनी है क्या? बिना दो तीन सब्जियों का खाना हम इंडियंस को पसंद है ही नहीं, इसलिए हमारे यहाँ सब्जियों की खपत काफी है। प्रोडक्शन की बात करें तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के नेशनल हॉर्टिकल्चर डेटाबेस 2019 से 2020 के मुताबिक इंडिया में हर साल लगभग 100 मिलियन मेट्रिक टन फ्रूट्स और लगभग 192 मिलियन मेट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन होता है। इसमें एक बड़ा हिस्सा पॉली हाउस में भी उगाया जाता है। दरअसल पॉली हाउस में उगाई सब्जियों की कीमत भी ज्यादा होती है, इसलिए इससे मिलने वाले मुनाफे को देख किसानों का इंटरेस्ट पॉली हाउस फार्मिंग में बढ़ा है। पॉली हाउस फार्मिंग के फायदे की बात करें तो पॉली हाउस बनता कैसे है इस पे जरूर आएंगे, पर उससे पहले इसके फायदे सुन लीजिए ताकि आपको इसके बढ़ते ट्रेंड की वजह पता लग जाए। पॉली हाउस के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। अंदर का तापमान नियंत्रित होने की वजह से फल सब्जियों को नुकसान कम पहुँचता है, इसलिए फाइनेंशियल लॉस के चांसेस घट जाते हैं। इसमें साल भर सब्जियां उगाई जाती हैं, मौसम बदलने का इंतजार नहीं करना पड़ता है, कीड़े मकौड़े या जानवरों के द्वारा फसल को नुकसान होने की संभावना कम होती है और फसल की क्वालिटी बेहतरीन होती है, तो फार्मर सुकून में रहते हैं। पौधों की उत्पादन क्षमता 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। अधिक बारिश, सूखा या ओले गिरने से फसलों को नुकसान नहीं होता है, इसलिए किसान की लागत आराम से वसूल हो जाती है। एक पॉली हाउस कई सालों तक चलता है, इसलिए हर साल इसे बनवाने का खर्चा किसान भाई बहनों को उठाना नहीं पड़ता है। पॉली हाउस फार्मिंग में फूलों की खेती भी होती है, इसलिए मार्केट में जिन महंगे फूलों की मांग है, किसान वो भी उगाकर अपनी जिंदगी सुधार रहे हैं। गेंदा, गुलाब, जरबेरा जैसे ऑल टाइम डिमांड में रहने वाले फूलों की खेती से अच्छा मुनाफा मिलता है। एक पॉली हाउस में टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी, एयर वेंटिलेशन, डिजीज कंट्रोल, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, लगभग सब कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, इसलिए वैसे फल फूल और सब्जियां भी उग जाती हैं जो आम तौर पे अपने देश में नहीं उगती है या कुछ खास माहौल में ही उगती है। एग्रीकल्चर के बारे में अगर आपको जानकारी है तो ऑफ सीजनल क्रॉप आपको पता होगी, यानी बिना मौसम के मिलने वाली फसल, इन्हें पॉली हाउस में उगाया जाता है। जिन किसानों के पास पॉली हाउस नहीं होता, वो किसान अपने खेतों में लगवाने के लिए पौधे पॉली हाउस से ही मंगवाते हैं। मतलब अगर आपके पास पॉली हाउस है तो अब जरूरतमंद किसानों को अच्छी किस्म के तैयार पौधे बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। पॉली हाउस के साथ साथ अगर नेट हाउस बनाया जाए तो वहाँ लता वाली फसलें जैसे करेला, टमाटर, खीरा, फल और सब्जियां उगा सकते हैं, क्योंकि नेट हाउस में रस्सियों के सहारे लताओं को 20 से 25 फीट तक की हाइट तक बड़ा होने का मौका मिलता है और इससे हर पौधे की पैदावार बढ़ती है। पॉली हाउस के लिए जरूरी एरिया और स्पेस की बात की जाए तो एक पॉली हाउस बनाने के लिए कम से कम 400 से 5000 स्क्वायर मीटर तक के एरिया में बनाया जा सकता है। वैसे आप अपने पास अवेलेबल स्पेस के हिसाब से पॉली हाउस बनवा सकते हैं। समतल जगहों के मुकाबले पहाड़ों में जहां खेती की जमीन छोटी होती है, वहां भी जरूरत के हिसाब से लोग पॉली हाउस बनवाते हैं। एक ग्रीन हाउस या पॉली हाउस बनाने के लिए जिस भी जमीन का सिलेक्शन आप कर रहे हैं, उसकी दिशा पूरब और पश्चिम को होनी चाहिए। पॉली हाउस बनाने से पहले जमीन को समतल करना जरूरी है। नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस बनाने के लिए जमीन में टेलीस्कोपिक फाउंडेशन बनवाना सबसे अच्छा होता है। स्ट्रक्चर डालने के लिए गोलाई में 400 मिलीमीटर और गहराई में 600 मिलीमीटर यानी लगभग 2 फीट के गड्ढे खोदे जाते हैं, जिसमें जीआई पाइप डाले जाते हैं। स्ट्रक्चर मजबूत बनवाना चाहिए ताकि वो 100 से 150 किलोमीटर रफ्तार वाली हवा या आंधी को सह सके। किसी भी पॉली हाउस की हाइट 20 से 25 फीट या जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा रखी जाती है। ग्रीन हाउस कभी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का नहीं होता। इसकी छत हमेशा एरोडायनामिक शेप की होती है ताकि छत की ढलान से हवा का बहाव आसानी से बना रहे।
स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए M10, M8 और M6 के क्लैंप्स यूज होते हैं। पॉली हाउस में सफेद रंग के नायलॉन से बनी पॉली का इस्तेमाल होता है ताकि रोशनी आराम से अंदर आ सके। छत पे इस्तेमाल होने वाली पॉली 200 माइक्रोन की होती है जो व्हाइट या येलो हो सकती है। पॉली का चुनाव करते हुए हमेशा रहे कि पॉली में अल्ट्रा वायलेट रोधी क्षमता होनी चाहिए। पॉली हाउस के मूल ढांचे को सपोर्ट देने के लिए बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा पाइप्स लगाए जाते हैं जिन्हें हॉकी कहा जाता है। पॉली हाउस के छत से बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आप टिन या अल्यूमिनियम से बनी नालियां भी लगवा सकते हैं और बाद में बारिश के पानी को सिंचाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर छाया के लिए शेड नेट लगवाना जरूरी है जो ऐसा हो कि उसे लगाया या हटाया जा सके ताकि धूप की प्रचुरता या कमी के वक्त इसे काम में लिया जा सके। इंसेक्ट नेट भी लगवाया जाता है ताकि कीड़े मकौड़े अंदर ना आए। ध्यान रखना होता है कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अच्छी बनी रहे, इससे पौधों का विकास तेजी से होता है। पॉली हाउस के अंदर ऐसा सपोर्ट होना चाहिए जिससे रस्सियां या धागे बांधकर लता वाली सब्जियों और पौधों को सहारा दिया जा सके ताकि वो ऊपर की तरफ बढ़े। फाइनली जरूरत के हिसाब से गेट लगाया जाता है जो पुल, पुश या स्लाइडर हो सकता है। अंदर सिंचाई के भी जरूरी इंतजाम होने चाहिए ताकि पौधों को पानी की कमी ना हो। कई मॉडर्न ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में एयर वेंटिलेशन के लिए बड़े बड़े पंखे, ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई जैसे पानी का छिड़काव या बहाव का इंतजाम रहता है। स्ट्रक्चर जितना मजबूत और आधुनिक होगा, लागत उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। अगर बांस से एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाकर पॉली हाउस बनाया जाए तो 20 से 25 हजार या उससे ज्यादा का खर्चा आएगा। अगर आप किसी प्रोफेशनल कंपनी से मॉडर्न पॉली हाउस बनवाते हैं तो खर्चा लाखों तक जा सकता है। सारी चीजें साइज, शेप, क्वालिटी और फैसिलिटी पर निर्भर करेंगी। पॉली हाउस का जो फ्रेम होता है वो लगभग 15 से 20 साल तक आराम से टिक जाता है और जो पॉली होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी 2-2.5 साल तक की होती है। ये क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपने कैसी गुणवत्ता चुनी है। पॉली हाउस में इस्तेमाल होने वाले खाद की बात करें तो पॉली हाउस के अंदर जरूरत के हिसाब से पेस्टिसाइड्स, गोबर या खाद, दूसरे ऑर्गेनिक खाद भी इस्तेमाल होते हैं क्योंकि पॉली हाउस के अंदर कीट पतंगों से सुरक्षा मिलती है, इसलिए पेस्टिसाइड्स कम ही इस्तेमाल होते हैं। फसल जितनी ऑर्गेनिक होगी डिमांड उतनी ज्यादा होगी और मुनाफा भी। कोशिश करें कि ट्रेडिशनल खेती ना करके कुछ अलग उगाया जाए जिनकी डिमांड बड़े शहरों और इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा हो। बहुत से किसान आयुर्वेदिक पौधे और औषधियां भी उगाते हैं। फसल अच्छी मिलने पे कई बार बड़े बड़े बायर्स किसानों से डायरेक्टली उनके उत्पाद खरीद लेते हैं, इसलिए सही कीमत भी मिलती है और किसान के काम को वैल्यू भी मिलती है। कई सारे किसान पानी के जरिए ही पौधों को पोषक तत्व पहुंचाते हैं। इसके लिए अच्छी वाटर सप्लाई और बायोटेक एक्सपर्ट्स की निगरानी चाहिए होती है। साथ ही अगर बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है तो लेबर, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है। अगर पॉली हाउस के बारे में जानकारी की कमी है तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या किसी प्राइवेट कंपनी से संपर्क किया जा सकता है। ऐसे किसानों से भी जुड़ना फायदेमंद है जो पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं। आपके आसपास अगर ऐसा कोई नहीं है तो दूसरे शहर और राज्य में भी ट्रैवल किया जा सकता है। बाकी इंटरनेट से भी हेल्प ली जा सकती है। साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR पॉली हाउस पे लोगों की जानकारी बढ़ाने का काम करता है, तो इनसे संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी नोएडा में भी पॉली हाउस का कोर्स करवाया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलुरु में भी आप पॉली हाउस फार्मिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। इनके अलावा ऑल इंडिया ऑर्गेनिक फार्मर्स सोसाइटी, गोविंद ग्रीन हाउस प्राइवेट लिमिटेड भी आपकी मदद कर सकते हैं। पॉली हाउस की खेती का एक और फायदा ये भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से टोटल खर्चे का 50% सब्सिडी के तौर पे मिलता है, इसलिए फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सब्सिडी क्लेम करने की सभी जानकारियां दी गई हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हाउ टू क्लेम सब्सिडी फॉर पॉली हाउस तो बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे जहां पर आप डिटेल्स देख सकते हैं और क्लेम करने का तरीका सीख सकते हैं। अगर सब्जियों की बात करें तो पत्ता गोभी, करेला, शिमला मिर्च, मूली, फूल गोभी, धनिया, मिर्च, प्याज, पालक, टमाटर और पत्तेदार सब्जियां एक किसान आराम से उगा सकता है। फूलों का जिक्र करें तो कार्नेशन, जरबेरा, गेंदा, आर्किड और गुलाब को
इंडियन किसान ज्यादा उगाना पसंद करते हैं। एस्पर्गस, ब्रोकोली, लेटस, चेरी, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, बेबी कॉर्न, जुकीनी उगा करके भी अपने मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। वैसे पॉली हाउस बनवाने से पहले जमीन की मिट्टी कितनी उपजाऊ है और उसमें कितने पोषक तत्व मौजूद है, आप इसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं। हाउ टू टेक हेल्प टू नो द बेस्ट सॉइल फॉर फार्मिंग, इस पे हमने वीडियो बनाया था, आप उसे चेक कर सकते हैं। पॉली हाउस खेती से निकले उत्पादों से मुनाफा कितना होगा ये निर्भर करता है कि आप उगा क्या रहे हैं, कितनी मात्रा में, आपका पॉली हाउस कितना बड़ा है और उस पे लागत कितनी आई है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी मिल गई तो काफी हद तक इन्वेस्टर मेंटली रिलैक्स हो जाता है, पर इतना तो तय है कि आपका मुनाफा होगा ही होगा। बहुत से प्रोग्रेसिव और बड़ा सोचने वाले किसान पॉली हाउस फार्मिंग सीख कर 100% तक मुनाफा कमा रहे हैं। केरल के करुणा गप्पली टाउन की विजया कला अपने बैकयार्ड में पॉली हाउस बनाकर सब्जियां उगाती है और उससे महीने के 20,000 रुपए भी कमाती है। ऐसी ढेर सारी मोटिवेशनल कहानियां आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, जिनसे आपको काफी फार्मिंग आइडियाज मिलेंगे और लोगों के एक्सपीरियंस से आप काफी कुछ सीख पाएंगे। उम्मीद है वीडियो से आपकी जानकारी बढ़ी है और वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, अपने सवाल आगे भी भेजते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, क्योंकि हमें हिम्मत मिलती है आपके इन कमेंट्स को पढ़कर ऐसे कंटेंट पर काम करने की, आप तक पहुंचाने की। तो रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।